हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल संजू सुरैया ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन। अभी जो आप देख रहे हो, ये मानविक का सब फैलाया हुआ है, उसको मैं अभी स्कूल छोड़ के आई हूँ। उसके स्कूल छोड़ के आने के बाद जो है, मैं घर की क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ। तो अभी जो स्कूल गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सोफ़ा कवर लगाऊंगी, क्योंकि ये मैंने कल धो दिए थे और अभी जो है मैं इसको लगा दूंगी। सोफ़ा मुझे कवर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानवी कुछ ना कुछ गिराता रहता है, बहुत गंदा कर देता है सोफ़ा, इसलिए मैं कवर लगा के रखती हूँ हमेशा। ये मैंने कल धोए थे तो अभी मैं इनको लगा रही हूँ। और इसके टॉयज़ आपको हर जगह दिखेंगे, बहुत सामान फैला के रखता है। तो इसको स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं शुरू करती हूँ अपनी क्लीनिंग और पूरे घर की डस्टिंग। तो यहाँ पे मैं, ये कॉर्नर शेल्फ़ है, इस पर जो भी शो पीस रखे हुए हैं वो साफ़ कर रही हूँ। ये जो मैं डेली कर देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत गंदे हो जाते हैं। आपको इसमें 10 मिनट भी नहीं लगता है डस्टिंग में, घर की, पूरे घर की डस्टिंग में। तो मैं रोज़ कर देती हूँ। अभी मैं करूँगी टीवी, पहले मैं कपड़े से डस्टिंग कर दूँगी इसकी, और उसके बाद जो है कॉलिन से टीवी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और मार्मिक जो टीवी भी बहुत गंदा कर देता है, ये टेबल पे चढ़ के और टीवी पे पूरा दिन हाथ लगाता रहेगा, कुछ ना कुछ लगा देगा, तो वो पूरे टीवी पे दिखते हैं फिर, इसलिए मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और जितनी भी शो पीस है, जितनी भी शेल्फ है, उनको मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। ये डस्टिंग जो है मैं रोज़ करती हूँ, तो आप लोग भी जल्द रोज़ ही किया करें, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है इतना जितना हम सोचते हैं कि बहुत टाइम लगेगा। और रोज़ हो जाती है तो हमारा घर भी साफ़ दिखता है एकदम, इसीलिए आप रोज़ इसके लिए 10 मिनट निकाले डस्टिंग के लिए। अभी मैं आई हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ, और इधर से जो शेल्फ लगी हुई है उनको भी साफ़ कर दूंगी, और ऊपर जितने भी फ़ोटो रखे हैं उनको साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और इसके बाद डाइनिंग टेबल साफ़ करूंगी, जो सबसे जल्दी गंदा होता है, और डाइनिंग टेबल को भी मैं कॉलिन से साफ़ करूंगी अच्छे से, जिसके ऊपर दाग धब्बे सब्जी गिर जाती है या कुछ गिर जाता है तो वो भी साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। इसके बाद मैं अच्छे से सेट कर दूँगी जो भी सारा सामान है वो उसी उसी जगह पे। और डेली हम कर देते हैं ऐसे अरेंज सामान को उसी जगह पे, तो अच्छा भी लगता है और घर साफ भी दिखता है अगर हम डेली हम डस्टिंग करते हैं। और इसके बाद आई हूँ मैं फ्रिज, तो बाहर से मैं फ्रिज भी रोज साफ कर देती हूँ गीला कपड़ा। इधर मैंने कॉलिन से किया है, अगर कॉलिन से जिस दिन नहीं करती हूँ तो वैसे ही गीला कपड़ा मार देती हूँ। और किचन में जो ग्लास है, इन पे भी मैं गीला कपड़ा मार देती हूँ या फिर कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन में हम कुकिंग करते हैं तो इनके ऊपर जो है ऑयल आ जाता है, इसलिए आप मेक श्योर करें कि डेली ही आप कर दें साफ़, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और किचन काउंटर जो है मेरा साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैंने मंशु के लिए बनाया था खाना, तो साथ में अपना भी बनाया, और जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ, कुछ काम करती हूँ, तो उसका साथ ही साथ जो है मैं किचन काउंटर जो है साफ़ कर देती हूँ। तो किचन जो है मेरा ऑलमोस्ट साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। और एक्स्ट्रा जो भी इधर उधर सामान रखा है वो मैं उसकी जगह पर रख दूँगी। और ओवन को भी मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। जब भी मैं डस्टिंग का काम करती हूँ तो साथ में एक गीला कपड़ा भी रखती हूँ, जिससे कि मैं, जैसे ओवन है, फ्रिज है, ऐसी चीज़ें साफ़ करने के लिए। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, तो यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट सही कर रही हूँ मैं, और साइड टेबल है उस पर उसको साफ़ कर रही हूँ, और जितने भी फ़ोटो वोटो लगी है वो साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो ड्रेसिंग है उसकी थोड़ी डस्टिंग कर दूँगी, वैसे तो रोज़ होती है तो इतना गंदा नहीं होता है, पर फिर भी। तो
अभी जो मिरर है उसको मैं कॉलिन से साफ कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनका घर बहुत गंदा होता है, रोज ही साफ करना पड़ता है। अभी मुझे मानविक के साथ रोज घर की सफाई करनी पड़ती है। अभी मैं आ गई दूसरे बेडरूम में, तो यहाँ पे भी मैं अलमीरा और ये ड्रेसिंग साफ कर दूंगी और बेड जो है अच्छे से लगा दूंगी, बेडशीट सेट कर दूंगी। और ये कुशन जो आप देख रहे हो क्रीम और ये चॉकलेट कलर के, ये सोफे के लिए लाई थी मैं, पर वो मानविक सोफे पे रहने नहीं देता है इनको, वो बार बार फेंक देता है, तो मैंने अंदर ही इनको रख दिए हैं। और ये वाला रूम जो देख रहे हो आप, ये मानविक का रूम है, इसको आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हो। जो मानविक ने बहुत गंदा कर रखा है, सारी दीवारों पे अपनी ड्राइंग कर रखी है, तो इधर मेरा डस्टिंग का काम जो है ऑलमोस्ट हो गया है, तो ये मेरा क्लीनिंग का सब हो गया है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।